हाय गाइस, गुड मॉर्निंग नहीं बोलूँगी बिकॉज गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो मैं ना जा रही हूँ अभी इस चूहे को लेके। आप देखो चूहा, मेरे को डर भी बहुत लग रहा है, लेकिन पता है इसको ना सुबह से पानी में डुबोया हुआ था लेवर ने, ताकि ये मर जाए। फिर मैंने, मेरे को भी नज़र पड़ी मैं कि ये चूहा क्या कर रहा है, तो इसने ना गर्दन ऊपर को उठाई हुई थी, तो इसको मार ही दो। मेरे को बड़ा सा रोने का मन किया, मैं कहा नहीं यार बेचारा, चला इसको बहुत नुकसान कर रही। उसको छोड़ के मैंने परे मोड़ पे छोड़ा, सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग मतलब कंटिन्यू कर ही लेती हूँ, पहले छोड़ दिया था बीच में। तो यहाँ पे मैंने कुकर रखा है और यहाँ पे कुछ सामान है, प्याज प्यूज, और यहाँ पे मैंने लहसुन भी ग्राइंड करके रख दिया है। तो गाइज़ मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ ना, और यहाँ पे पता है क्या, लोगों के मतलब आज पार्टी थी यहाँ पे, तो कुछ मतलब गेस्ट नहीं बोल सकते, फैमिली मेम्बर ही बुलाए थे सब लोग। और पार्टी किस लिए थी वो आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। मेन रीज़न ये था, जो मिस्त्री थे ना, वो मतलब घर में ऊपर का छत बना के फ्री हो गए थे, तो उनको संभाना होता है। तो जिसको नहीं पता है संभाना क्या होता है, वो पूरी वीडियो देखे उनको समझ आ जाएगा। तो यहाँ ना मैंने मटन बना दिया, और बोलते हैं ना मटन अगर राड में पके तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, और राड अगर मतलब इसमें लग जाए नीचे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो यहाँ पे थोड़े से पकोड़े बना रही हूँ चाय के साथ, बिकॉज़ ऊपर चाचू वगैरह ना खाना बना रहे थे, तो उनको भी चाय के साथ हो जाएंगे। बाकी ऑलमोस्ट ये काम मेरा सारा फिनिश हो गया खाना बनाने का। अभी हम घुमा रहे हैं नियति को, वॉकर में घूम रही है। अब पता नहीं क्यों मैं इसको वॉकर बोलती हूँ, स्ट्रॉलर बोलना चाहिए, बट एक हिसाब से वॉक तो नहीं कर रही है। टाटा। तो गाइस अभी बारिश हुई और इसको नींद भी आ रही है, लेकिन यहाँ का व्यू देखो आप। और यहाँ ना ऊपर छत पड़ गई आज कंप्लीट। तो वेज वालों के लिए राजमा की दाल बनी है, यहाँ पे रेड चावल भी मैंने डाल दिया है। तो मतलब इसमें रेड चावल में थोड़ी सी एक वाइट चावल मतलब वाइट कोली भी डाल दे, ताकि चावल अच्छे से बने। आज उधर जाके नहीं खाना। तो ये लोग हैं मिस्त्री लोग, और साथ में बैठी है लेबर। तो अंकल को ना पता चल गया था कि वीडियो बन रही, तो कैसे छुप रहे थे, मतलब अनजान बन रहे थे। हाय गाइस, तो अभी ना टाइम हो चुका है रात के 11:30, और अभी नियति खेल रही है, सुन ली आवाज़, खेल रही, मतलब इसको ना बॉक्स है एक खेलने वाला, सारा सामान उसमें मैंने अभी डाला था, देखा भी डाला था, सारा नक निकाल रही डाल रही है। तो मुझे ना मम्मी के कमरे में पैकेट दिखा, मैंने सोचा इसको देख लेती हूँ इनको क्या दे रहा है, क्योंकि अब देने वाले थे और मैंने अभी तक नहीं देखा था। सौरभ का मुझे नहीं पता इन्होंने देखा कि नहीं देखा। तो यहाँ पे निकाल के देखा, तो ये कुर्ता पजामा था मे बी, और इसमें शगन डाला था बिकॉज इसको खाली नहीं देते, और टोपी और एक मफलर दे रहे थे, तो ये सब देना पड़ता है। जो ये वाला रिवाज ना, यहाँ का रिवाज ऐसा है कि जब भी आपके घर में मिस्त्री घर का जब छत डालते हैं ना, तो छत जब एक बार पड़ जाता है तो उसके ऊपर हम दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। छत के बाद वो घर का एंड होता है, टॉप होता है, तो वो डालने के बाद
जो मतलब पहले तो ये रिवाज था कि जो नीचे से लेके ऊपर तक बनाता था उनको संभालते थे, लेकिन हमने ऊपर वाला बनाया, वो किसी और ने बनाया, तो उनको उनको भी संभालना था, डैडी वगैरह संभालना 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 मतलब ऐसा ही कुछ वर्ड है, वो करना था विदा करते हैं, मतलब विदा, जो तो यहाँ के लोग हैं उनको तो पता होगा, जो नीचे के लोग हैं उनको नहीं मालूम होगा, तो उनको ना कुछ सामान देना होता है, जैसे कि कपड़े वगैरह, मतलब छोटी मोटी चीज़ें जो भी होती होंगी शायद वो देते थे। पहले के टाइम पे तो बिस्तर वगैरह भी देते थे, लेकिन अब नहीं देते, अब तो मतलब थोड़े बहुत कपड़े वगैरह ही देते शगन डाल के। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और ऐसी ही चीज़ें अगर आपको और जाननी है ना, तो हिमाचल में अगर आप आते हो ना, हिमाचल में आप रहते हो, तो बहुत अलग अलग रिवाज यहाँ पे होते हैं। वो मिस्त्री वगैरह जो थे ना वो भी चले गए, तो जब उनको सामान दिया ना, तो उस टाइम शूट नहीं किया। एक तो मेरे पास नियति रो रही थी उस टाइम, उसको सो के एकदम से उठ गई थी, तब मुझे उसकी तरफ आना पड़ा। और दूसरा, अगर वो मतलब मेरे सामने भी देते तब भी मैं शूट नहीं करती, बिकॉज वो कुछ होता है ना, थोड़ा सा अजीब लगता है उन लोगों को भी, मतलब देते वक्त फ़ोटो लेना वगैरह वगैरह। तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया, जो दिया था या फिर जो देना था, वो मैंने शूट कर दिया। उसके अलावा मैंने जाते वक्त शूट नहीं किया, बिकॉज थोड़ा अजीब हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है उन लोगों के लिए। मैं अभी बिल्कुल फ्री हूँ, तो मैं भी नहा धो के आ गई हूँ, बिकॉज चिकन चिकन वाले हो गए थे हम कल, तो आज अब मैं बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। तो इसके बाद ना सीधा करते हैं रेस्ट, और वीडियो करती हूँ मैं यहीं पर एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, वीडियो को ना लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा भूल जाते हो। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, बाय बाय।